फेसबुक की साउथ सेंट्रल पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट में कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अंकी को ऑनलाइन पोस्ट और कंटेंट के जरिए कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। दास फेसबुक में पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं। उनका आरोप है कि एक विशेष राजनीतिक दल के साथ मिलकर कई लोगों ने WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक आर्टिकल के बाद उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। अंकी दास ने उन पर यौन रूप से भी भद्दी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उन्हें बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में 14 अगस्त को एक लेख प्रकाशित होने के बाद अंकी दास सुर्खियों में आई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फेसबुक ने भारत में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्तारूढ़ सरकार का पक्ष लिया है। अंकी दास मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी के लॉरेटो कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद JNU से इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री ली। दास अक्टूबर 2011 से फेसबुक से जुड़ी हैं। फेसबुक से पहले माइक्रोसॉफ्ट की भारत में वो पब्लिक पॉलिसी हेड थी। साल 2004 में दास माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी थी। यहाँ करीब 7 साल सार्वजनिक नीति, कानूनी और कॉरपोरेट मामलों के निदेशक के तौर पर काम किया। इस क्षेत्र में उन्हें लगभग 16 साल का अनुभव है। अंकी दास फेसबुक में काम करने के अलावा कॉलम भी लिखती हैं। उनका नाम कुछ अंग्रेजी अखबार और अमरीकी वेबसाइट के कॉलमिस्ट लेखकों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ने केंद्र सरकार के नेताओं के नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। रिपोर्ट में तेलंगाना से BJP विधायक टी राजा सिंह की एक पोस्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई थी। ये भी दावा किया गया कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अंकी दास ने फेसबुक पर केंद्र सरकार से जुड़ी कुछ जानकारी को डिलीट किया था। हालांकि फेसबुक ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि हम हिंसा को उकसाने वाले हेट स्पीच और कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। हम यह देखे बिना इन नीतियों को दुनिया भर में लागू करते हैं कि किसी की क्या राजनीतिक हैसियत है या वो किस दल से जुड़ा है। हम निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को और धारदार बना रहे हैं। साथ ही हम अपनी प्रक्रियाओं की नियमित रूप से ऑडिटिंग भी करते रहते हैं। तो आखिर आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें।